अगर मैं आप लोग से बोलूं कि गाइस एक ऐसा ट्रिक है जिसकी वजह से आप लोग अपने गन के डैमेज को इंक्रीज कर सकते हो या AWM से भी ज्यादा आपके गन का डैमेज हो जाएगा एंड आप लोग एक एक गोली में बंदे को मार सकते हो। और आप लोगों को ये बात तो पता होगा कि गाइस अभी के समय पे इतने सारे हैकर्स आ रहे हैं CS रैंक में एंड जो अपना नया बॉम्ब स्क्वाड रैंक है उसके अंदर तो भाई हैकर ही हैकर बड़े हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि पैनल हैक यूज करते हैं। 3 ग्रैंड मास्टर के बंदे रहेंगे, उनके साथ एक ब्रॉन्ज या फिर प्लेटिनम का कोई बंदा आएगा जो कि आपको पेल के चल जाएगा। सिंपल सा सीन है एंड गाइस गुस्सा बहुत आता है और आप लोग उनकी आईडी को बैन करवा सकते हो। लेकिन कैसे, बस आप लोग 45 के लाइक कंप्लीट करा दो यार, ये एक लाइक फटाफट दबा दो चाचा यार, क्या चाहता है, एक सब्सक्राइब कर दो, एक सेकंड का काम है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 5th नंबर पे हम लोग बात करने वाले हैं फ्री फायर की सबसे अनफेयर चीज। या गाइस आप लोगों को पता होगा कि पीसी प्लेयर्स बैन हो गए थे फ्री फायर बैन होने से पहले, ठीक है। और जैसे ही पीसी प्लेयर बैन हुए थे तो बहुत सारे स्ट्रीमर्स स्ट्रीम करना छोड़ दिए हैं, जिसके वजह से फ्री फायर का डाउनफॉल वहीं से स्टार्ट हो गया था। एंड जिन्होंने बहुत मेहनत से पीसी लिया था कि पीसी में गेम्स खेल करके वीडियोस बनाएंगे, और गाइस वो सारे यूट्यूबर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे फ्री फायर से एंड मजबूरन उनको मोबाइल में शिफ्ट होना पड़ा। लेकिन यहाँ पे अनफेयर चीज क्या है आप लोगों को बताओ गाइस, कि बांग्लादेश सर्वर में पीसी प्लेयर्स अनबैन है एंड इंडियन सर्वर में पीसी प्लेयर बैन है। बल्कि बांग्लादेश सर्वर में भी ज्यादा पीसी प्लेयर नहीं है, इंडियन सर्वर एंड बांग्लादेश सर्वर दोनों के अगर प्लेयर्स को मिला दिया जाए उसमें से बस 1% पीसी प्लेयर होते थे यार। लेकिन सडनली कुछ दिनों बाद ही हम लोग को पता चलता है कि पीसी प्लेयर अनबैन हो गए हैं इंडिया में, ओके। तो हम लोग गेम खेलने जाते हैं और गेम खेलते ही पता चलता है कि जितने भी गेम लग रहे हैं हम लोग के वो सभी बॉट्स के साथ लग रहे हैं, लेकिन फिर भी पीसी अनबैन नहीं होता है इंडिया में। 4th नंबर पे मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ एक जादू, या मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ। देखो आप लोग बॉम्ब स्क्वाड जो रैंक आया है उसको तो जरूर खेले होगे, मैं नहीं खेला हूँ, मैं अभी भी ब्रॉन्ज में ही पड़ा हूँ। लेकिन गाइस अगर आप लोग वहाँ पे रीजन पे जाते हो तो वहाँ पे सभी के सभी ब्रॉन्ज में दिख रहे हैं अभी। ये शायद से कोई ग्लिच हो गया या फिर फ्री फायर ने सबका रैंक गिरा दिया है, क्योंकि गाइस यहाँ पे ये सभी जितने भी आपको दिख रहे हैं इसमें से लगभग 1 से 3-4 लोग ही मतलब फेयर प्लेयर होंगे, बाकी सभी के सभी पैनल यूजर है या फिर कोई ग्लिच यूज कर रहा है। आप लोग देख सकते हो गाइस इसका कीड़ी देखो भाई, इसने 539 गेम खेला है एंड 539 भाई इसने मैच बुइया भी कर लिया मतलब ये कैसे पॉसिबल है भाई, और इसने किल किया है 0। इन लोग ऐसा ग्लिच या फिर हैक यूज करते हैं आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि सामने वाले ओपोनेंट में कोई आता ही नहीं है, ठीक है। एंड कुछ देर बाद ही जैसे टाइमर खत्म होता है वहां पे आप लोग का तुरंत ही भुइया हो जाता है। तो गाइस ये ट्रिक से भी हो जाता है एंड कुछ लोग ग्लिच यूज करते हैं, कुछ लोग हैक यूज करते हैं। एंड गाइस आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको बॉम्ब स्क्वाड कैसा लगा, आप लोग उसके रैंक को पसंद करते हो कि नहीं करते हो। हे गाइस चलो हम लोग अभी बात कर लेते हैं परी मैच के बारे में। ये कूलेस्ट स्पोर्ट प्रेडिक्शन कंपनी है, दे हैव द बेस्ट लाइन ऑन ई स्पोर्ट। तो मैं आप लोग से ये बात करने आया था कि इनका जो लेटेस्ट प्रमोशन है उन्होंने अपने ही वेबसाइट पे लॉन्च किया है जिसका नाम है द फ्री फायर सोलो कप, जिसमें मैंने ये पार्टिसिपेट किया है। तो अभी ज्वाइन करना इवेंट को परी मैच के वेबसाइट पे जब टूर्नामेंट लाइव होगा तब, बस प्रेडिक्ट करो करेक्ट आंसर को एंड विन मनी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो मैं आप लोगों को प्रेडिक्शन करके ही दिखा देता हूं। समझ लो कि लाइव चल रहा है अभी। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है, फास्टेस्ट के इन द फाइनल डे राउंड इन सेकंड, एंड जो आपका जो भी प्रेडिक्शन रहेगा आप यहां पे लिख सकते हो, 2, 3, 4 कुछ भी करेक्ट आंसर आपको लिखना रहेगा। इसका प्राइस पूल है 2 लाख रुपए और ये स्टार्ट होगा 27 जून को एंड इसका प्रोमो खत्म होगा 28 जून को। हे गाइस वेलकम बैक। अगर मान लो कि आपके सामने कोई हैकर आ गया या फिर कोई पैनल यूजर आ गया या फिर कोई ग्लिच यूजर आ गया, ठीक है। देखो हैकर की आईडी तो हम लोग बैन नहीं कर सकते, लेकिन गाइस फ्री फायर हैकर की आईडी को पकड़ लेता है एंड बैन कर देता है कुछ दिनों में। लेकिन गाइस जो पैनल यूजर होते हैं वो आसानी से पैनल यूज करके हैक यूज कर करके गेम खेलते हैं, उनकी आईडी को फ्री फायर पकड़ नहीं पाता, इसलिए उनकी आईडी बैन नहीं होती है। लेकिन आप लोग उनको आईडी को बैन करवा सकते हो अगर आपके मैच में बार बार आ रहे हैं। तो आपको करना क्या है, सभी बंदों को बोल देना कि उसको रिपोर्ट करने को, ठीक है। एंड रिपोर्ट करने से क्या होता है गाइस, जो अब का रिपोर्ट सेक्शन है वो पहले से बदल गया है, ठीक है। एंड अब जो जितने भी रिपोर्ट्स आते हैं फ्री फायर तुरंत ही आईडी को चेक करता है, करेगा। अगर 10-15 रिपोर्ट भी आ गया तुरंत ही फ्री फायर उसको चेकिंग में भेज देता है। याद रखना पहले रिपोर्ट से कुछ नहीं होता था, लेकिन अब के रिपोर्ट करने से बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो आप लोग जरूर करना अगर हैकर आता है। 3rd नंबर पे हम लोग बात करने वाले हैं बाईपास हैक के बारे में। अभी शायद से 1 महीने पहले ही एक क्लासिक फ्री फायर का आईडी बैन हुआ था इसी के वजह से, ठीक है। एंड गाइस ये क्या है मैं बताता हूँ। आप लोगों को पता है गाइस कि हमारे इंडियन सर्वर में पीसी प्लेयर बैन है, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने कुछ देर पहले बात किया था,
तो गाइस इसी तरह ही यहाँ पे जो पीसी प्लेयर्स होते हैं वो लोग बाईपास हैक को यूज़ करते हैं क्यों, ताकि वो अपने पीसी को एक मोबाइल की तरह यूज़ कर सके। ठीक है, बाईपास कोई हैक का नाम नहीं है, बस गाइस यहाँ पे जो बाईपास होता है वो एक एमुलेटर है, जैसे कि ब्लूस्टेक होता है उसी तरीके का। तो गाइस जब इसको आप लोग खोलते हो, जब अपने फ्री फायर को साइनिंग करते हो, अपना आईडी पासवर्ड डालते हो, तो वहाँ पे पीसी का साइन नहीं आता है, मतलब कि आप वहाँ पे फिर मोबाइल प्लेयर्स के साथ मैच लगा सकते हो एंड अपना वीडियो बना सकते हो एंड एवरीथिंग जो आपको करना हो, गेम खेलना हो, गेम खेल सकते हो। तो गाइस यही काम आता है, मतलब कि भले ही पीसी प्लेयर्स इंडिया में बैन है, उसकी मदद से आप लोग मोबाइल प्लेयर के साथ खेल सकते हो। ठीक है, पीसी में रह करके देखो, इसको हैक ना बोलना तो बहुत गलत होगा, क्योंकि आप अनफेयर चीज कर रहे हो। ठीक है, तो ये गलत हुआ, इसी वजह से क्लासिक फ्री फायर का यहाँ पे आईडी बैन हो गया था। बाकी अब इसके अंदर कोई भी हेडशॉट हैक या फिर उड़ने वाला हैक कुछ भी नहीं कर सकते हो। सेकेंड नंबर पे हम लोग बात करने वाले हैं गाइस, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप लोग अपने हर एक गन का डैमेज इंक्रीज कर सकते हो। अब एक और चीज सुनो, जो सामने वाला आपका एनिमी है उसका जो डैमेज है आप लोग रिड्यूस कर सकते हो 30%। और ये चीज कैसे होगा मैं बताता हूँ। देखो गाइस, यहाँ पे डैमेज इंक्रीज करने के लिए कोई भी आपको ग्लिच यूज करने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको ट्रिक की यूज नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, हम लोग ये ट्रिक बिल्कुल फेयर तरीके से कर सकते हैं। हम लोग को जाना है सिंपल गेम में, एंड गाइस गेम में जाने के बाद आप लोग को वुल्फरा कैरेक्टर चूज करना है, क्योंकि गाइस ये एक ऐसा कैरेक्टर है, अगर आप लोग एक किल करते हो तो आपका 10% डैमेज बढ़ जाता है हेडशॉट का। लाइक अगर आप हेडशॉट मार रहे हो 143 का UMP से, ठीक है, तो आप एक किल करोगे तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 10% बढ़ जाएगा। ठीक है, हेडशॉट का डैमेज, और अगर दो किल करोगे तो फिर बढ़ जाएगा, एंड तीन, अगर आप तीन चार किल कर लिए, ठीक है, तो आपका जो डैमेज हो जाएगा आप लोग देख सकते हो गाइस कितना हो जाएगा, 185 डैमेज। ओके, वो भी हेडशॉट का, लिटरली अगर बंदे को आप एक बॉडी शॉट मार दिए एंड गाइस उसके बाद तुरंत ही एक हेडशॉट पड़ गया तो बंदा वहीं खत्म भाई। और इसमें आपका एक और फायदा होने वाला है, जो सामने वाला इनमी अगर आपको हेडशॉट मारता है तो गाइस अगर उसका हेडशॉट समझ लो UMP से 143 का आपको हेडशॉट मार रहा है वो, तो गाइस वो आपको लगभग 100 का ही हेडशॉट पड़ेगा। एंड गाइस सच सच बताना, आपको ये ट्रिक अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट्स में बता देना कि भाई मुझे अच्छा लगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। एंड गाइस प्लीज एक लाइक कर देना अभी के अभी कर दो मेरे भाई, अगर नहीं किया आप भूल गए तो, एंड सब्सक्राइब कर दो यार, गाइस यार 3 मिलियन के बहुत करीब है, तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर दो। फर्स्ट नंबर पे हम लोग बात करने वाले हैं गाइस, अगर आप लोग कभी पैनल यूज करते हो या फिर कोई ग्लिच वगैरह यूज करते हो, कोई हैक यूज करते हो, तो भाई छोड़ दो यार। फ्री फायर में एक ऐसा कैरेक्टर आने वाला है जो कि हैक से भी ज़्यादा पावरफुल होगा, मतलब कि गाइस आप लोग जानते हो गाइस ये वाला कैरेक्टर जो कि आलू की तरह कपड़ा पहना हुआ है, लगभग आलू की तरह ही लगता है, फ्री फायर ने इसको इसी तरीके से डिजाइन किया है। इस कैरेक्टर की एबिलिटी गाइस देखो, इसके अंदर सिंपल है, आपका बंदा कोई भी रहे, सामने वाला इनमी, मान लो आप 1v1 कस्टम कर रहे हो, ठीक है, एंड आपका इनमी आप उसको लगभग एक गोली का छोड़े हो या फिर दो तीन गोली का छोड़े हो। कभी कभी होता है ना कि हम लोग के टीममेट बोलते हैं कि लाइक अरे भाई एक गोली का है भाई, तो गाइस उसी समय आपको इसका एक स्किल को यूज करना है। बस आप लोग को जैसे ही आप लोग इसका एबिलिटी यूज करोगे वैसे ही गाइस आपके पास से एक गोल सा ड्रोन निकल के जाएगा, जो कि 100 मीटर के अगर अंदर बंदर रहेगा, 100 मीटर के अंदर तो रहता ही है ना यार, अगर आप किसी से फाइट कर रहे हो 1v1 या फिर कोई भी फाइट कर रहे हो, रैंक मैच खेल रहे हो, तो 100 मीटर के अंदर बंदर रहता ही है, और आपके पास से वो ड्रोन निकल करके उसके पास जा करके सीधे ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, वो बंदा किसी घर के अंदर छुपा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एंड गाइस जैसे ब्लास्ट होगा उसके पास जाते ही उसकी मोमेंट स्पीड 10% स्लो हो जाएगी। ठीक है, तब भी आप उसको आसानी से हेडशॉट मार सकते हो। अगर मान लो कि आपके टीममेट बोल रहे हैं कि भाई वो एक गोली का है, तो आप वहां पे उसको अपने स्किल को यूज करके पता लगा सकते हो, अगर वो एक गोली का होगा तो मर जाएगा, लेकिन अगर ज्यादा गोली का होगा तो बच जाएगा। इससे आप पता लगा सकते हो कि आपका फ्रेंड झूठ बोल रहा है या फिर सच बोल रहा है, लेकिन गाइस मुझे नहीं पता है वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, लेकिन आपको लाइक करना है आज। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो भाई लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड इंस्टाग्राम पे आ जाओ गाइस, इंस्टाग्राम पे हम लोग 100K फॉलोअर्स के बहुत करीब है। 100K होने के बाद ना मैं आप लोग को सरप्राइज पे सरप्राइज देने वाला हूँ, बस आ जाओ इंस्टाग्राम पे।